वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजेश रिसर्च पॉइंट में। आज हम एक और नए दवाई को लेकर आ गए हैं जिसका नाम है ट्यूमर प्लस। बताएंगे कि यह ट्यूमर प्लस किस किस तरह के बीमारी में दिया जाता है, खास करके इस दवाई का उपयोग किस बीमारी में किया जाए, यह दवाई किस हद तक कारगर है, क्या आपके बीमारी के अनुरूप यह दवाई काम करता है या फिर यह सिर्फ एक MR का चलाने का दवाई का मार्केट में नियम है। यह एक होम्योपैथिक मेडिसिन है और जैसा कि नाम है ट्यूमर प्लस, इससे आप समझ ही गए होंगे कि यह एक ट्यूमर का दवाई है। लेकिन किस प्रकार के ट्यूमर? ट्यूमर हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो सारी चीज़ के बारे में जानकारी देंगे, कितना रुपये में मिलता है मार्केट में, इन सभी के बारे में जानकारी देंगे, तो वीडियो में बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस दवाई का नाम है ट्यूमर प्लस और यह एक होम्योपैथिक दवाई है। ट्यूमर कहने का मतलब शरीर के किसी भी अंग में, त्वचा के अंदर गांठ का बनना। गांठ कई प्रकार के होते हैं, जो कि आपके भी शरीर में भी विभिन्न प्रकार के गांठ होंगे, जैसे गले के दोनों साइड, जांघ के दोनों साइड या फिर टुड्डी के नीचे भी बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं, इसे गांठ कहते हैं। लेकिन क्या यह गांठ ट्यूमर है, क्या यह गांठ साधारण है या फिर यह गांठ अस्थायी रूप से ज़िंदगी भर रहने वाला है? कई प्रकार के ट्यूमर आपके माथे में भी पाए जाते हैं, क्या यह अस्थायी है या फिर इसका विस्तार हो रहा है और आगे चलकर यह एक खतरनाक बीमारी का रूप लेगा? तो किस प्रकार के ट्यूमर में हम इस दवाई का उपयोग करें, इसी के बारे में हम विश्लेषण करें। ट्यूमर का अर्थ ये नहीं होता कि यह आपको कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी हो गया। ट्यूमर कहने का अर्थ है कि वह अभी शुरुआती स्टेज में है, जो कि एक लिम्फ नोड है, सिर्फ गांठ है जो कि निकाल देने के बाद या दवाई खाने के बाद अगर घट रहा है तो यह एक सामान्य बीमारी है जिसे आराम से दवाई से ठीक किया जा सकता है। यदि इस दवाई का उपयोग कर रहे हैं आप और 2 महीना के अंदर इसका कोई असर आपके शरीर पर नहीं दिखे, यानी कहने का मतलब आपकी गांठ में कमी महसूस ना हो, तो आप इस दवाई को लेना छोड़ दें, क्योंकि जो गांठ कमना शुरू ना हो, बढ़ ही रहा हो, तो वह एक लिम्फ नोड्स नहीं हो सकता, वह या तो लाइपोमा होगा या फिर ट्यूमर का जो फर्स्ट स्टेज होता है, इससे आम रूप से हम कैंसर तो नहीं कह सकते, लेकिन कैंसर का लक्षण दिखने वाला कह सकते हैं, वो हो सकता है। तो उसमें इस मेडिसिन का उपयोग आप नहीं कर सकते, क्योंकि यह उस हद तक कारगर नहीं है। आपको सामान्य रूप का गांठ है शरीर के किसी भी भाग में, चाहे वह हाथ हो, चाहे वो गला हो या फिर किसी भी जगह पर, तो इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको 5 से 6 सप्ताह के अंदर इसका असर नहीं दिखे तो इस दवाई को लेना आप छोड़ दें और एक अच्छी डॉक्टर से सलाह लें। इसकी दाम की बात करें तो यह 185 रुपये का मेडिसिन आता है और इसे गर्म पानी में 4 या 5 टेबलेट सुबह और 4 या 5 टेबलेट शाम लेने की सलाह दी जाती है। और विशेष जानकारी के लिए आप इसे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।